अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। जो ये मैंने ये आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं पोटैटो छील लिए हैं मैंने ये, और पानी में डाल लिया इनको छीलने के बाद में। और इसका बहुत ही अच्छा स्नैक बनने वाला है, जो हम शाम को साथ में चाय के साथ हम पीते हैं, फिर खाते हैं, जो भी कुछ, बहुत ही अच्छा इसका नाश्ता बनेगा। पोटैटो बाइट्स बनाने वाली हूँ मैं पेरी पेरी सॉस के साथ में। ये मैंने छील के रख लिए हैं और इसको मैं बारी बारी कट कर लेती हूँ। इसको मैंने बॉईल करना है, आप इस तरह से आप कैसे भी काट सकते हैं, मोटे मोटे इस तरह से हम आलू कट कर लेंगे। इस तरह से मैं सारे आलू काट के पोटैटो रेडी कर ले। और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है नाश्ता, ये स्नैक बहुत ही जल्दी से बन जाता है। आप इसको रख के भी फ्राई कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे आलू काट लिए हैं और इनको मैं एक प्लेट में डाल के कढ़ाई में डाल दूंगी। एक कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है और ये सारे आलू मैं इसके अंदर डाल देती हूँ इस तरह से। इनको 3 से 4 मिनट तक हम बॉईल करेंगे, मैंने हाफ बॉईल करना है इनको, पूरा बॉईल नहीं करना है। तो ये बॉईल होता है तो बाद में मिलती हूँ। इनको चेक कर लेते हैं आलू को, देखिए हाफ बॉईल हो चुके हैं। मैं गैस कर देती हूँ ऑफ। अब इनको मैं किसी छन्नी में डाल देती हूँ इनका पानी खुश करने के लिए। देखिए मैंने छन्नी में डाल दिया है और इसके सारा पानी खुश्क हो जाएगा और ये आलू ठंडे हो जाएंगे, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इस तरह से मैं सारे आलू इस तरह से मैश कर लूंगी सारे आलू। इस तरह से सारा का सारा मैं और अच्छे से मैश कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा, जो कि थोड़ा मोटा है आलू वो भी टूट जाएगा। जिस कढ़ाई में मैंने आलू बॉईल करे थे उसी में मैं ऑयल डाल देती हूँ, ऑयल भी गर्म हो जाएगा अच्छे से। इसमें नमक ऐड कर देते हैं इसके अंदर, 1 टीस्पून में मिक्स हर्ब्स हैं ये सारे, ओरिगेनो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून। स्मेल, खुशबू जो होती है ना बहुत अच्छी आएगी इससे। और मैं इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर, चार चम्मच भर के मैंने, टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला है इसके अंदर। फिर अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको पास जल्दी पहुंचेगा। अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ इसको मैं, और अब इसका हम छोटे छोटे से बॉल बना लेते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं अपनी शेप जैसे ही हम देना चाहते हैं बनाने में, ऐसे बना लेते हैं इनको। और इसमें इस तरह से मैं हम इस पर डिज़ाइन डाल देंगे इस तरह से फॉक से, देखिए इस तरह से। बहुत ही आसान है, आप अपनी तरफ से कोई भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस तरह से बना बना के हम रख लेंगे। इस तरह से
इस तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है बनाना। इस तरह से बना लेंगे सारे सारे। देखिए पोटैटो बाइट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये हमने बना लिए सारे, दोनों प्लेटों में आ गए हैं ये। और मैंने ये ऑयल जो गर्म करने रखा था, ऑयल भी गर्म हो चुका है। देख कढ़ाई भी काली हो चुकी है मेरी, ये कढ़ाई भी देख क्या हाल हो चुका है कढ़ाई का। अब मैं इसमें एक एक करके डाल देती हूँ इस तरह से। ऑयल बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका है और मीडियम आँच पर है। अब एक एक करके हम सब डाल देंगे बाइट इसके अंदर। बच्चों की बर्थडे पे और किसी कोई मेहमान आता है तो उसके बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना ये। जितनी कढ़ाई में आएंगे मैं इसमें सारे डाल दूंगी। अच्छे से हम इसको फ्राई होने देंगे। मीडियम आंच पे तक मैं थोड़ा फ्लेम इसका बढ़ा देती हूँ। बहुत ही अच्छे बनेंगे माशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ा आने वाला है खाने के साथ में। आप खाएंगे देखिए ब्राउन होने लगे हैं, अच्छे से इन पे अच्छे से कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब मैं इनको प्लेट में निकाल देती हूँ इनको। जरा से मैं दूसरा बेच भी डाल दूंगी कढ़ाई में। देखिए सारा से सारा इसी तरह डाल देंगे खुले खुले। देखिए सारे फ्राई हो चुके हैं ये। देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी, अंदर से कितना सॉफ्ट और नरम है। और मैं इसके ऊपर एक मसाला डाल रही हूँ कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है, पेरी पेरी मसाला है ये। अगर आप नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं है आपके पास तो ये वैसे भी अच्छे लगेंगे नमकीन। चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। चार पांच दिन में ढक के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आप या फ्राई करें या फिर आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही, और देखने में भी इतने अच्छे लग रहे हैं ये, और खाने में बहुत अच्छे होंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही लाजवाब। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करें आप भी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। और अभी आप भी बनाते देखें ना। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।